नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल्स, चैनल नंबर 10, और आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेणु भट्ट अपने इस लाइव इंटरेक्शन में, जिसमें हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। और जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है स्टैटिस्टिक्स पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर आप पार्ट फर्स्ट में के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं या फिर वो सेशन देखना चाहते हैं तो आपको एक्सप्लोर करना होगा हमारा यूट्यूब चैनल जो है NCERT ऑफिशियल। इसके बारे में और डिटेल में बताने वाली है हमारी एक्सपर्ट जो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स क्विकली मीट हर। यू आर मिस सविता ग्राहक, यू आर एकेडमिक कोऑर्डिनेटर फ्रॉम गीता निकेतन आवासीय विद्यालय सालारपुर रोड कुरुक्षेत्र। वेरी वॉर्म वेलकम मैम, आपका स्वागत जी, आपका स्वागत है मैम। और बच्चों, अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी आ रही हो स्टैटिस्टिक्स के बारे में, आप कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं, इन नंबर्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, रिसर्चेस के बारे में, तो आप बेझिझक हमसे जुड़ सकते हैं हमारे फ़ोन कॉल के माध्यम से। हमारे फ़ोन नंबर है 8800440559, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है dth.class10th@cit.nic.in। तो हमें इंतज़ार रहेगा आपकी बातों का, आपकी क्वेरीज़ का। अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं तो इस ईमेल एड्रेस पे आप अपना फीडबैक भी हम तक पहुंचा सकते हैं। वी वुड रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट। और मैम, हम सीधे आपके पास आएंगे। और मैम, हम सविता मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे बिकॉज इट्स पार्ट सेकेंड, तो हम पार्ट फर्स्ट के ब्रीफ के साथ मैम शुरू करना चाहेंगे ये सत्र। जी रेणु जी, बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा, इट इज पार्ट सेकेंड एंड पार्ट वन ऑलरेडी हमारे व्यूअर्स देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं वो। एंड बिफोर दिस आल्सो इन देयर जूनियर क्लासेस, दैट मींस फ्रॉम क्लास 6 to 9, उन्होंने अलग अलग मोड में स्टैटिस्टिक्स किया है। दे हैव लर्नड अबाउट हाउ टू प्रेजेंट द गिवन डेटा ऑन अ बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम एज वेल। एंड इन क्लास 10 वी विल लर्न अबाउट दैट हाउ कैन वी फाइंड द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसेस, एंड दीज आर बेसिकली मीन, मोड एंड मीडियन, जिनके बारे में हमारे व्यूअर्स जानेंगे। डेफिनेटली इन आर पार्ट वन हमने सीखा है, जाना है कि व्हाट डू वी मीन बाय स्टैटिस्टिक्स। वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट दैट इन एडिशन टू स्टैट, व्हाट इज डेटा। डेफिनेटली द सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इन न्यूमेरिकल फिगर विच इज ऑलवेज एंड ऑलवेज कलेक्टेड विद अ डेफिनेट पर्पस। हम कोई भी डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई हमारा पर्टिकुलर पर्पस रहता है। और डेटा को हम प्राइमरी या सेकेंडरी दो फॉर्म का, दो तरह का डेटा होता है, जिनमें से प्राइमरी डेटा मीन्स द डेटा विच द पर्सन कलेक्ट्स हिमसेल्फ, विच द इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स हिमसेल्फ इज नोन एज द प्राइमरी डेटा। एंड सेकेंडरी डेटा इज डेटा हैज ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय समवन एल्स, लेकिन इन्वेस्टिगेटर उस डेटा का यूज करता है अपनी इन्वेस्टिगेशन में। ऑलराइट, एंड वी आल्सो हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट व्हाट डू वी मीन बाय मीन। मीन की अगर हम बात करते हैं तो मीन होता है कि हम एवरेज कैसे निकाल सकते हैं। एवरेज निकालने के बारे में अगर बात करेंगे तो अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए, इफ द डेटा इज सिंपल डेटा, लाइक हमें कुछ भी ऐसा डेटा गिवन है कि किसी भी स्टूडेंट के मैथमेटिक्स के कोई 10 क्लास टेस्ट हुए हैं ऑफ 15 मार्क्स ईच, और उसमें उस बच्चे ने जितने जितने मार्क्स लिए हैं, डेफिनेटली हर टेस्ट में इक्वल मार्क्स आए ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता। हो सकता है किसी एग्जाम में बच्चे ने स्कोर किया है 12 मार्क्स, किसी में 15 out of 15, किसी में 9, 13। तो अगर उन सभी का हम एवरेज देखना चाहते हैं तो सिंपली हम क्या करते हैं, वी जस्ट add all of the observations and after adding all the observations we will divide that by the number of observations. All right, this is basically ki kisi bhi given data ka mean hum kaise clear kaise calculate kar sakte hain. Now let us discuss ki mean calculate karne ke liye humne kaun kaun se methods abhi tak discuss kiye hain. Dear viewers, hum discuss kar chuke hain ki mean ko calculate karne ke liye how to use the direct method if the data is grouped frequented form. All right. So now let us discuss that what do we mean by direct method. Agar aapka data grouped frequency ki form mein hai, grouped frequency distribution ki form mein hai, like 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 100 marks ka test hai, 100 marks ka proper full exam hai, aur usme hamare viewers ne
या हम ये कहें कि कितने कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं अमंग दीज डिफरेंट क्लास इंटरवल्स. लेट मी से दैट देर इज नो स्टूडेंट हु इज गेटिंग और स्कोरिंग बिटवीन 0 एंड 10. देर आर टू स्टूडेंट्स हु आर स्कोरिंग बिटवीन 10 एंड 20 इंक्लूडिंग द लोअर लिमिट. हमने डेप्थ में बहुत अच्छे से ये डिस्कस किया था इन अ प्रीवियस सेशन दैट लोअर लिमिट विल ऑलवेज बी काउंटेड इन द पर्टिकुलर क्लास इंटरवल, लेकिन अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास में काउंट होती है. तो इसी तरह से अगर हमें डायरेक्ट मेथड यूज करना है तो डेफिनेटली हम अपने क्लास इंटरवल्स की हेल्प से सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं एक्स आई. एक्स आई फाइंड करने के बाद वी विल अप्लाई द फॉर्मूला विच इज सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाइड बाय एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई. ओके, दिस इज द डायरेक्ट मेथड. एंड इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट मेथड विच इज एज्यूम्ड मीन मेथड, डियर व्यूअर्स, जैसा कि आपसे डिस्कस हुआ था कि एज्यूम्ड मीन मेथड से जब आप मीन कैलकुलेट कर रहे हैं सो इट इज ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई होल डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, जहां पर डी आई रिप्रेजेंट करता है एक्स आई माइनस ए को. एंड ए इज डेफिनेटली द एज्यूम्ड मीन और एफ आई इज द फ्रीक्वेंसी. फॉर एग्जाम्पल इन दिस क्वेश्चन द फ्रीक्वेंसी मीन्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अंडर डिफरेंट क्लास इंटरवल्स. एक्स आई मीन्स द क्लास मार्क ऑफ एनी क्लास इंटरवल. फॉर दिस क्लास इंटरवल द क्लास मार्क इज 5. वी नो कि क्लास मार्क क्या होता है. द मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ एनी क्लास इज नोन एज द क्लास मार्क. ऑल राइट, सो नाउ लेट अस प्रोसीड अहेड एंड डिस्कस अबाउट द स्टेप डेविएशन मेथड ऑल्सो. डियर व्यूअर्स, वी हैव डिस्कस्ड दैट स्टेप डेविएशन मेथड के अकॉर्डिंग मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ए, फिर ए इज डेफिनेटली रिप्रेजेंटिंग द एज्यूम्ड मीन, प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाइड बाई यू आई होल डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई. यहाँ पर एच शो करता है क्लास साइज को, विच इज इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी दैट 10 फॉर ऑल द क्लास इंटरवल्स. ओके, हम क्लास साइज ऑब्जर्व करते हैं उसी क्लास का जिस क्लास से हमने ए चूज किया है, अपना एज्यूम्ड मीन पिक किया है. एंड यू आई इज बेसिकली एक्स आई माइनस जी. इफ आई टॉक अबाउट यू आई इट इज एक्स आई माइनस ए होल डिवाइडेड बाय एच. लेट मी रिपीट इट अगेन, इट इज एक्स आई माइनस ए होल डिवाइडेड बाय एच. दिस इज द वैल्यू ऑफ यू आई. नाउ लेट अस डिस्कस फर्दर the topic which we are proceeding ahead today. It is basically the knowledge about the next two measures of central tendencies, and these two next two measures are basically mode and then median. Now let us discuss a question before the discussion about mode. This is a question in which the mean has already been given to us. The question here is the daily expenditure of 100 families are given below. यहाँ पर हमारे पास जो है 100 families का expenditure given है, यानी कि जो number of families की बात हो रही है, these families are 100 in number. And then it is given find the value of the unknowns F1 and F2. ये दोनों ही values हमारे लिए unknown है, हमें calculate करनी है. और हमें दिया है दैट द मीन फॉर दिस पर्टिकुलर इंटरवल इज 188. सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग द सेम. डेफिनेटली सबसे पहले जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हम एक्स आई यानी कि क्लास मार्क की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं. क्लास मार्क फॉर द फर्स्ट क्लास इज 150 बिकॉज इट विल बी 140 प्लस 160 डिवाइडेड बाय 2, और आप सिंपली कह सकते हैं द मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास. ठीक इसी तरह से बाकी सभी क्लासेस के लिए भी अगर हम क्लास मार्क कैलकुलेट करते हैं तो दीज आर पर्टिकुलरली रिटन हियर ऑन द स्क्रीन. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस दैट व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एफ आई फ्रीक्वेंसीज. हम देख सकते हैं एफ वन इज 5, एफ this value is 5, this value is 25. I'm not talking about F1 क्योंकि F1 and F2 already हमारे पास for the class intervals 180 to 200 and 200 to 220 के लिए mentioned है.
ऑल राइट, सो लेट अस सिंपली गो फॉर द डायरेक्ट मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन, एंड यू नो दैट द डायरेक्ट मेथड इज सिग्मा एफ आई इंटू सिग्मा एक्स आई होल डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई. Now, what you have to calculate? You have to calculate the value of fi into xi, which is for the first class 5 into, it is basically, wait, 5 into 150, which is definitely giving us the value 750. Then 170 into 25, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हम देख सकते हैं जब आप 25 और 17 का प्रोडक्ट करते हैं. सो वट इट इज, it is basically 17 times 5 which is 85, 17 times 2 is 34 and 34 plus 8 is 42. Similarly, the next value will be 190 into F1, the next value is 210 into F2 and the last value is definitely 5 times 3 is 15 and thus it is 1150. Dear viewers, as we know that sigma means the sum of all the values. So simply अभी हम add करेंगे इन सभी values को, और इन सभी values को add करने पर ध्यान रखना है that 190 plus 190 F1 plus 210 F2 plus the sum of all the three remaining values will be given. So your answer will be 170 plus 4250 plus 950 F1 plus 210 F2 plus 1150, and definitely this will be divided by the sum, yani ki sigma Fi, or sigma Fi hame given hai for 100, because this is the data for the 100 families. So here you will divide the same by the sum 100 and the total value will be equals to 188, kyunki hame mean given hai 188. On solving the same, we will be able to find an equation, और जो equation हमें मिलेगी in the form of F1 and F2. ठीक इसी तरह से अगर हम बात करते हैं दूसरी equation की, this is the first equation and this will be in the form of F1 and F2. एक equation है, two variables की form में है, definitely हम एक ही equation से दोनों variables की values नहीं निकाल सकते. तो हम सर्च करते हैं वो दूसरी कंडीशन जिसकी हेल्प से हमें मिलेगी वैल्यू ऑफ F1 एंड F2 और दूसरी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ F1 एंड F2. डियर व्यूअर्स, हमें गिवन है दैट देयर आर टोटल 100 फैमिलीज. सो इफ देयर आर टोटल 100 फैमिलीज एंड देयर इज द सम ऑफ ऑल ऑफ दीज, व्हाट दिस इज, दिस इज डेफिनेटली 35 प्लस F1 प्लस F2. So you will go for the other equation, which is 35 plus F1 plus F2 equals 100. From here, we are able to get an equation which is F1 plus F2 equals 65. So these are the two equations. On solving both of these, we will be able to find the value of F1 and F2. The same has been demanded from us from this question. Now let us proceed towards the next question. The topic is mode. अगर बात करते हैं कि मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑफ द गिवन डेटा, उससे पहले जानना जरूरी है कि मोड होता क्या है या आप मोड कहते किसे हैं. मोड इज बेसिकली द डेटा, और यू कैन से दैट जो भी हमारे पास गिवन डेटा है उसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो नंबर होता है उसे हम बोलते हैं मोड. ऑल राइट, हम यहाँ देख भी सकते हैं स्टेटमेंट इज द मोड और द मॉडल वैल्यू इज दैट वैल्यू विच ऑकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली, यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है दैट इज नोन एज द मोड. और अगर हम बात करें मोड का फॉर्मूला क्या रहता है, मोड का फॉर्मूला जो है दैट इज इक्वल्स टू हियर एल प्लस F1 माइनस F0. अब आप सोचेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F1, F0, F2 एंड H हियर. तो लेट अस डिस्कस ऑल ऑफ दीज वन बाय वन. एल का मतलब क्या है, एल इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. तो हमें जो भी डेटा गिवन है हमें डेफिनेटली सबसे पहले जानना होगा कि उस डेटा में मॉडल क्लास कौन सी है, और मॉडल क्लास वही होगी जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, क्योंकि मोड होता ही है द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नंबर. ऑल राइट, वट इज द वैल्यू ऑफ F1?
F1 is the frequency of the model class. जब हम क्वेश्चन करेंगे विद द हेल्प ऑफ दैट यू विल क्वाइट बी एबल टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दीज ऑल वैल्यूज. देन लेट अस ऑल्सो डिस्कस द वैल्यू F2, F0 एंड H. H इज सिंपली एज वी हैव डिस्कस्ड इन केस ऑफ मीन, दिस इज द क्लास साइज ऑफ द गिवन मॉडल क्लास. देन लेट अस ऑल्सो डिस्कस अबाउट द वैल्यू ऑफ F0 एंड F2. F naught is the frequency of the class preceding the model class, and F2 is the frequency of the model of the class which is preceding the model class. Now let us discuss a few questions related to the same topic, with the help of which definitely we will be able to understand this concept more clearly. Here is the question: the following is the distribution of the height of the students of a certain class in a certain city. We have to find the mode of the heights of all of these students. So, okay, how to start with it? Find the mode of the height of the students. सबसे पहले हम अपनी टेबल को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, और अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम देख सकते हैं कि इन दिस टेबल वी डू हैव द हाइट्स इन सेंटीमीटर 160 सेंटीमीटर टू 162. Then 163 to 165, 166 to 168, and then 169 centimeters से 171 centimeter height वाले जो भी students हैं, उन सभी के लिए हमारे पास यहाँ पर data given है. हम देख सकते हैं on an average कि सबसे ज्यादा जो height वाले बच्चे हैं वो किस group में हैं. सबसे ज्यादा height वाले जो बच्चे हैं, these are under the group 160 to 168. और एक और चीज यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली है, दैट इन दीज क्लासेस द अपर लिमिट ऑफ अ क्लास इज डिफरेंट फ्रॉम द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास. तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, अपने क्लास इंटरवल्स को इस तरह से बैलेंस कर लेना कि अपर लिमिट्स ऑफ अ क्लास उसकी प्रोसीडिंग क्लास की लोअर लिमिट के इक्वल होना चाहिए. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रूल क्या रहता है, हम देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन 162 एंड 163 इज बेसिकली 1. सो यू विल जस्ट डिवाइड दैट डिफरेंस बाय 2, एंड व्हाटसोएवर द वैल्यू यू ऑब्टेन यू विल सब्ट्रैक्ट दैट वैल्यू फ्रॉम ऑल द लोअर लिमिट्स, एंड यू विल ऐड दैट वैल्यू इन ऑल द अपर लिमिट्स टू बैलेंस योर क्लास इंटरवल्स. सो हियर यू कैन ऑब्जर्व दैट वी आर गेटिंग 159.5 to 162.5, then 162.5 to 165.5, and similarly all the other classes lower limit and upper limit आप लिख सकते हैं. Then it is 168.5 to 171.5, and the last class 171.5 to 174.5. Okay. The number of students can be clearly visible here. Now let us discuss कि हमें करना क्या है. हमें observe करना है वो class जिसकी frequency सबसे ज्यादा है. Frequency means the number of students. तो आप देख सकते हैं ये frequency सबसे ज्यादा है, which is 142. Basically हम ma'am, here let me tell you that we have 4 more minutes left for the session, ma'am. जी बिल्कुल रेणु जी, धन्यवाद. जी मैम. सो वी हैव द वैल्यूज हियर F1, F0 एंड F2. जैसे कि हमारे व्यूअर्स को हमने बताया है कि जिस भी क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, दैट विल बी नॉन एज द मॉडल क्लास, और उसी क्लास की जो लोअर लिमिट है, दैट विल बी नॉन एज द वैल्यू ऑफ L. और हम ये भी जानते हैं दैट द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द मोड, इट इज L प्लस F1 माइनस F0 whole divided by double of F1 minus F0 minus F2, and this will be multiplied by H. So our viewers will simply put all the values here, like the value of L will be 165.5, F1 is given 142, F0 is given 118, and then the value of F2, which is clearly visible here, that is 127. So on putting all of these values, definitely our viewers will be able to get the final answer,
-118 -127 and this complete will be multiplied by the value of h, which we can see here that is 3. For all the classes, the class size is 3. Class size hum kaise calculate karte hain, dear viewers? The difference between the lower and upper limit of a particular class. Here we can see that 168.5 -165.5 is 3. All right. Now, after discussing this question, now let us discuss the next topic, which is median. Ma'am, in a very brief, we are running very short of time, ma'am. Samay bahut kam hai. Bahut hi brief mein aapse janna chahenge. Formula to our viewers, Renuji, and with the help of which they will definitely solve a few questions, and they will also share their solved questions with us. They can also share their problems with us. So let us just discuss this formula, and this will be the last topic for today, dear viewers. What the formula is, it is median. How to find the median? See, we have defined the median is a measure of the central tendency which gives the middle most observation of the data. आपके डेटा की मिडिल मोस्ट जो भी ऑब्जर्वेशन होगी उसी को हम कहते हैं मीडियन. लेट अस डिस्कस फॉर द स्मॉल डेटा टुडे एंड फॉर द फॉर्मूला व्हिच आई हैव रिटन हियर वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट सेशन. लाइक वी डू हैव फाइव ओड नंबर्स 1, 3, 5, 7 एंड 9. तो इन पांचों ओड नंबर्स को सबसे पहले हमने अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर में, और इन सब में से जो मिडिल मोस्ट वैल्यू है दैट इज 5. That is known as the median of the data. अगर हमारे डेटा में ओड नंबर ऑफ टर्म्स ना होकर इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, तो हमारे व्यूअर्स लाइक 6 टर्म्स अगर होती हैं, तो बीच वाली दोनों के दोनों टर्म्स को एड करके उनका एवरेज निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, एंड दैट विल बी द मीडियन. सो विल डिस्कस मच मोर अबाउट द टॉपिक इन आर प्रीवियस सेशन, इन आर नेक्स्ट सेशन. श्योर मैम, श्योर मैम. और मीडियन और ऐसे कई सारी चीज़ें और नई नई बातें, नए नए फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट हम डेफिनेटली अपने अगले सत्र में बात करने वाले हैं, लेकिन समय हमें बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहा है. सविता मैम, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं. थैंक यू सो वेरी मच कि आप हमसे जुड़े और आपने स्टैटिस्टिक्स पे इतनी अच्छी जानकारी हमारे सभी व्यूवर्स के साथ शेयर की. थैंक यू सो वेरी मच मैम. जी, थैंक यू रेनू जी. थैंक्स टू आवर व्यूअर्स. थैंक यू. और अपने सभी व्यूवर्स को थैंक्स कहते हुए हम यहाँ पर ये सत्र वाइंड अप करना चाहेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं. हम ब्रेक के बाद अपने एक और लाइव इंटरेक्शन के साथ हाजिर होंगे, जो कि सोशल साइंस के 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हमारा टॉपिक रहेगा, रिसोर्स एंड डिवेलपमेंट. इस सत्र का आप हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मुझे रेणु भट्ट को दें अनुमति. आप बने रहें ई विद्या चैनल्स के साथ. नमस्कार.